संजू सैमसन। क्रिकेट में ऐसा बोला जाता है कि ये नाम थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि संजू सैमसन को स्क्वाड में जगह इसलिए मिलती है दूसरे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी देकर। अगर के एल राहुल नहीं होते हैं तो संजू सैमसन को स्क्वाड में जगह मिल जाती है, या फिर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर संजू सैमसन को स्क्वाड में जगह मिल जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि संजू सैमसन को मौके बहुत कम मिलते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संजू सैमसन को मौके मिलते हैं लेकिन मौके पे चौका लगाना संजू सैमसन को बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा ही कल के मुकाबले में भी हुआ। कल खेला गया इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा T20I मैच, और जो अभी T20I और ODI के उपकप्तान हैं यानी कि शुभमन गिल, वो कल के मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। उनको नेक स्पैज़म हो गया था। जब सूर्य कुमार यादव टॉस करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि शुभमन गिल इस प्लेइंग 11 का जो है हिस्सा नहीं है, उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया। और एक नई ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिली, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की। पहला ओवर इंडिया ने खेला, ठीक ठाक बल्लेबाजी हुई, यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। संजू सैमसन दूसरे ओवर में आए, वहां पर महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करनी और कैरम बॉल उन्होंने फेंकी और संजू सैमसन बॉल को पकड़ नहीं पाए और सीधा वहां पे बोल्ड हो गए, आउट होकर वो चले गए और हो गए गोल्डन डक का शिकार, यानी जीरो रन पर आउट होकर संजू सैमसन चलते बने। तब से ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन को सच में टीम इंडिया में मौके नहीं मिलते हैं, या फिर वो मौकों को भुला नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप उनके लास्ट 5 T20I मैचेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 पारियों में 3 पारियों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0 रन बनाया है, यानी कि पहले उन्होंने 0 रन बनाया, फिर 12 बनाया, फिर 0 बनाया, फिर 58 बनाया और फिर 0 रन बनाया। ऐसी की लास्ट T20I इंटरनेशनल की जो पारियां हैं ऐसी कुछ देखेंगे आपको। और वहीं अगर स्पिन के खिलाफ संजू सैमसन की आंकड़ों पर बात करें तो संजू सैमसन ने रन 156 बनाए हैं, गेंद 132 खेली है, 10 बार आउट हो चुके हैं और जो एवरेज है वो 15.6 का है, स्ट्राइक रेट 118 की है। तो ये थे संजू सैमसन के T20 इंटरनेशनल में स्पिन के खिलाफ आंकड़े, 10 बार स्पिन पे वो आउट हो चुके हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है संजू सैमसन को टीम इंडिया में डेब्यू किए हुए, हालांकि इतने ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब मौके मिले हैं तो वो फेल होते हुए नजर आए हैं। अगर आप उनकी T20 इंटरनेशनल के आंकड़े भी देखेंगे तो बहुत कम रन बनाए और सिर्फ एवरेज भी उनका सिर्फ और सिर्फ 20 का ही है। मतलब अगर किसी भी प्लेयर का 20 का एवरेज होता है तो उसे खराब ही माना जाता है T20 इंटरनेशनल में, और संजू सैमसन का एवरेज है वो 20 का है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे मौकों पर संजू सैमसन फेल होते हुए नजर आए हैं। अब ये आंकड़े अगर संजू सैमसन के होते हैं तो आगे टीम मैनेजमेंट उन पे कैसे भरोसा कर सकती है। राहुल द्रविड़ का एरा था, जब वो हेड कोच थे तब भी संजू सैमसन को इतने ज्यादा मौके नहीं मिले, और अब गौतम गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है, सूर्य कुमार यादव को T20I का कप्तान बनाया गया, हालांकि टेस्ट और ODI के कप्तान अभी रोहित शर्मा ही है, लेकिन उसके बाद भी संजू सैमसन को इतने ज्यादा मौके नहीं मिले। हालांकि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ लास्ट T20I मैच खेला था वहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, वहां पे 58 रन बनाए थे संजू सैमसन ने, एक विनिंग नॉक था संजू सैमसन का, और फिर इंडिया ने 4-1 से वो सीरीज अपने नाम करी थी, शुभमन गिल कप्तान थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्हें मौका मिला श्रीलंका खिलाफ, क्योंकि कल उनके पास अच्छा मौका था, शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पे हमेशा से ही सवाल खड़े होते हुए नजर आए। हालांकि पहले T20I मैच 212 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी थी शुभमन गिल ने, लेकिन दूसरे मुकाबले में एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी संजू सैमसन को, जिसका फायदा वो नहीं उठा पाए। अब आगे देखना होगा कि संजू सैमसन के ऊपर टीम मैनेजमेंट कितना ज्यादा भरोसा दिखाती है, या फिर भरोसा दिखा भी पाती है या फिर नहीं। बाकी कल के मैच की अगर हम बात करें तो कल टॉस जीता था इंडिया ने और टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था, यानी पहले न्योता दिया था श्रीलंका की टीम को कि भाई आप आइए और आप बल्लेबाजी करिए। श्रीलंका की टीम ने बल्लेबाजी करी थी, अच्छी खासी बल्लेबाजी करी, हालांकि जो इंडिया के गेंदबाज थे वो भारी पड़ते हुए नजर आए थे श्रीलंका के बल्लेबाजों पर। उसके बाद से फिर बारिश बार बार हो रही थी, बार बार मैच में खलल पड़ा था, इस वजह से DLS मेथड लगा दिया गया था और 8 ओवर का मैच हो गया था और 78 रनों का टीम इंडिया को टारगेट दिया गया था, और बड़ी ही आसानी से वो मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।